सो गाइज, हमें ये तो पता ही है कि एवेंजर्स 4 के बाद से हमें कुछ पुराने सुपर हीरोज नहीं दिखेंगे, जिसमें कि मेन नाम है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थोर। तो कहानी में कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि ये लोग बड़े पर्दे से दूर हो जाएंगे, और अगर ये कैरेक्टर वापस भी आते हैं तो ये कैरेक्टर उन कैरेक्टर से प्ले नहीं किए जाएंगे जो पिछले डिकेड से इन्हें प्ले कर रहे हैं। इसे या तो बदला जाएगा या किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो अभी एमसीयू के ऑफिशियल्स के इंटरव्यू के दौरान अभी हमें पता चला है कि हमारी कैप्टन अमेरिका को प्ले करने के लिए वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद से क्रिस इवेंस इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगे। और यहाँ पर जब उन ऑफिशियल से पूछा गया कि ये प्रायोरिटी वो किसको देना चाहते हैं और अगला कैप कौन हो सकता है, और उनके हिसाब से अगला वो कैरेक्टर जो कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करे वो अफ्रीकन अमेरिकन हो, क्योंकि वो इस कैरेक्टर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और वो इससे रिलेटेड कहानी में भी कुछ फ्रेश तरीके से सामने लाना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर फीमेल हो, और वो कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो हम कैप के रोल में एक फीमेल को कास्ट करें। तो गाइस, एमसीयू के ऑफिशियल्स कैप के लिए कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। तो वेल, ये तो थी कि एमसीयू की बात। वेल, अगर कॉमिक बुक की बात की जाए, वेल कॉमिक बुक में भी ऐसा हो चुका है कि कैप अपना मेंटल किसी और को ट्रांसफर कर चुका है। कॉमिक में बहुत बार ऐसा होता है कि स्टीव रॉजर्स अब कैप्टन अमेरिका नहीं रहता, और मल्टीपल टाइम्स वो डिफरेंट लोग को ये मेंटल ट्रांसफर कर चुका है, जिसमें से सबसे ज्यादा नोन कैरेक्टर है बकी, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि अगला कैरेक्टर बनता है बकी, जो कि स्टीव रॉजर्स का बेस्ट फ्रेंड है, और इन दोनों ने ही साथ में बहुत समय बिताया है। और बकी ये बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है कि कैप्टन अमेरिका बनने के बाद कौन सी जिम्मेदारियां उसके सर पे आती हैं और उसे किस तरह निभाना है, इसीलिए काफी बार इस कैरेक्टर को कैप की जगह इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। लेकिन कुछ और बदलाव करने के लिए इसे भी बदला जा चुका है, और कैप्टन अमेरिका का मेंटल उस इंसान को ट्रांसफर किया जा चुका है जो कि कभी फैल्कन था, यानी कि सैम। और ऐसा होते हुए हम बहुत सारे कॉमिक्स में देख चुके हैं जहां पर सैम एक नया कैप्टन अमेरिका बनता है और एक नए अवतार में हमारे सामने आता है। लेकिन एमसीयू में वो इन सब चीजों को एक नए सीरीज से बदलना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रिफरेबली वो एक फीमेल को कास्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि पिछले कुछ रूमर हमारे सामने आए उसके हिसाब से तो ये माना जा रहा था कि अब नया कैप्टन अमेरिका बकी ही अब बनेगा, क्योंकि बकी को प्ले कर रहे कैरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल की मूवीज के साथ बहुत आगे था। एमसीयू के फेज 4-5 तक बकी को प्ले कर रहे एक्टर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो वेल, आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड, आप उन्हें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा ये भी जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी फ्लेम मेक फ्लेम मेक समथिंग। मैं नाम देख रहे हैं मिस्टर फ्लेम, और मैं अनुभव। बाय।